कहते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था। उस खेत में फसल बोने के कुछ दिन बाद एक चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया, और घोंसला बनाने के कुछ दिन बाद ही चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे भी दे दिए। उसके उस अंडों से दो छोटे बच्चे निकले। चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत में अपनी जिंदगी बड़े मजे से गुजारने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल की कटाई का वक़्त आ गया। गांव के तमाम किसानों ने अपने खेतों में फसल की कटाई शुरू कर दी, और अब वक़्त आ गया था कि चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़कर नई जगह पर चले जाएं। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने किसान को ये कहते हुए सुना कि कल वो अपने बेटों से फसल की कटाई के लिए बात करेगा और उन्हें खेत में भेजेगा कि वो फसल की कटाई करें। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस वक़्त चिड़िया कहीं दाना चुगने गई थी। जब वो वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान के बारे में बताया और कहा कि अम्मा, आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है, हम रात को किसी और जगह चले जाएंगे। तो चिड़िया ने जवाब दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कल खेत की कटाई होगी। चिड़िया का कौल दुरुस्त साबित हुआ। अगले दिन किसान का बेटा कोई भी खेत में ना आया और ना ही फसल कटी। शाम को किसान जब खेत में आया और खेत को देखकर बड़बड़ाने लगा। कह रहा था कि मुझे बेटों को ये काम कहना ही नहीं चाहिए था, कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को कहूंगा कि मेरे खेत की आके फसल की कटाई कर दें। चिड़िया के बच्चों ने फिर किसान की बात सुनी और परेशान हो गए। जब उसने अपनी ये बात चिड़िया को बताई और कहा कि हमें आज यहाँ से अम्मा चले जाना चाहिए, तो चिड़िया ने कहा कि मेरे बच्चों फिक्र ना करो, हमें आज रात भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसान का कल कोई रिश्तेदार आकर फसल की कटाई करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का कोई रिश्तेदार ना आया और ना ही फसल की कटाई हुई। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी अम्मा बिल्कुल दुरुस्त कैसे कह रही है। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत का वही हाल देखकर बड़बड़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे किसी और पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, कल मैं खुद आऊँगा और इस फसल को काटूँगा। चिड़िया के बच्चों ने जब किसान की ये बात सुनी तो उन्होंने चिड़िया को बताया, तो चिड़िया ने कहा कि हमें इस खेत को आज ही छोड़कर जाना पड़ेगा, खेत छोड़ने का वक़्त आ गया है, आज रात हम यहाँ से उड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है कि अम्मा फौरन से खेत छोड़ने को तैयार हो चुकी हैं। तो चिड़िया के बच्चों ने माँ से जब पूछा कि माँ ऐसा क्यों, पहले तो आप कहती थी कि जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आज आप इतनी कन्फर्मेशन के साथ कैसे कह रही हैं कि खेत कल कटाई हो जाएगी। तो चिड़िया ने कहा, बच्चों पिछली दो बार किसान फसल काटने के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहा था, वो अपना काम दूसरों पर डालकर बेफिक्र हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, तो वो ज़रूर आएगा और ये अपना काम करेगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़कर कहीं दूर चले गए, और अगले दिन किसान ने अपनी फसल की कटाई कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप वक़्त पर काम करना चाहते हैं तो उसे वक़्त पर ही शुरू करें। दूसरों पर अपने काम के लिए डिपेंड करने की बजाय अपने काम का बेड़ा खुद उठाइए, तभी आपका अपना काम मुकम्मल होगा। जब आप अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करेंगे या उस काम के मुकम्मल होने के लिए किसी दूसरे की तरफ देखते रहेंगे तो आपका वो काम कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अपना काम करने के लिए आप कल का इंतज़ार ना करें, किसी दूसरे का इंतज़ार ना करें। कल कर सो आज कर, आज कर सो अभी कर। बहुत से काम सुस्ती और नाअहली की वजह से हम नहीं करते, उस काम को दूसरों पे डाल देते हैं,
तो वो काम लटकता जाएगा और वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। और हो सकता है कि अगर उस काम को आप अपने वक्त पर मुकम्मल करते हैं तो आपको कोई नायाब चीज़ मिले और ऐसी कामयाबी हासिल हो जो उस काम के गुजरने के बाद, उसके वक्त गुजरने के बाद आपको ना हासिल हो। शुक्रिया।